Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls UP College, University of Allahabad. It is my email ID and today I am going to discuss a very genuine, important and relevant topic under psychological testing, that is characteristics of a good psychological test. एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं ये इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा. द लेक्चर विल बी इन बाइलिंगुअल मोड एंड इट मस्ट बी यूजफुल फॉर यू. सो लेट्स सी व्हाट इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट. जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, एजुकेशन पढ़ते हैं, वो सभी स्टूडेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या है? इट इज अ रिलेटिवली यंग ब्रांच ऑफ वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफ द साइंसेस. देखिए, साइकोलॉजी को कहा जाता है कि खुद एक यंग साइंस है, मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है इसका उद्भव हुए. लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज अ रिलेटिवली यंग ब्रांच ऑफ वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफ द साइंसेस. तो ये एक बहुत यंग ब्रांच है. और अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ अ सैंपल ऑफ अ पर्सन्स बिहेवियर दैट इज यूज्ड टू मेजर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग पीपल. ये साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजर, मतलब कि ये एक मानकीकृत तरीका है कि हम एक व्यक्ति के बिहेवियर को, उसके व्यवहार को और व्यक्तियों के बीच के अंतर्गत जो व्यक्तिगत अंतर होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं. ए साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स मेंटल एंड और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक. मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है? ये एक वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत तरीका है जिससे हम एक व्यक्ति की मानसिक और व्यावहारिक विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. A psychological test is a systematic procedure of observing person's behavior or performing, describing it with the aid of a numerical scale or a category system. यानी कि हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण से किसी व्यक्ति के बिहेवियर और उसके परफॉर्मेंस का एक न्यूमेरिकल स्केल पे डेटा दे सकते हैं. साइकोलॉजिकल टेस्ट्स आर रिटन विजुअल और वर्बल इवेल्युएशंस एडमिनिस्टर्ड टू असेस द कॉग्निटिव एंड इमोशनल फंक्शनिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. साइकोलॉजिकल टेस्ट ये रिटन होते हैं, ये विजुअल हो सकते हैं, ये रिटन विजुअल और वर्बल इवेल्युएशंस हैं, आकलन है किसके, कि व्यक्ति के, छात्रों के, बच्चों की इमोशनल और कॉग्निटिव फंक्शनिंग के. इसके अलावा अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ये स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट प्रोसीजर मेजर्स आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रेट थ्रू ए सैंपल ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर. यानी भाषिक, शाब्दिक या अशाब्दिक व्यवहार का या किसी ट्रेट का हम गुणात्मक या परिमाणात्मक परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं. एनेस्तासियो और अरविना ने 1997 में इसको कैसे डिफाइन किया है? इट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ ए सैंपल ऑफ ए पर्सन्स बिहेवियर. एज सिंपल एज दैट. ये जो ऊपर जो डेफिनेशन थी वही है ये, कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है? एक व्यक्ति के व्यवहार का वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत तरीका है नापने का. कुलारी 1998 में कहते हैं दैट अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर फॉर सैंपलिंग बिहेवियर एंड डिस्क्राइबिंग द सेम इन स्कोर्स और कैटेगरीज. ठीक है, फिर नीड फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट. जरूरत ही क्यों पड़ती है मनोवैज्ञानिक परीक्षण की? तो हमको जरूरत पड़ती है आइडेंटिफाइज वीकनेस एंड स्ट्रेंथ बच्चों की, स्टूडेंट्स की. हमको उनकी कहाँ वीक है, कहाँ क्या उनकी स्ट्रेंथ है, ये नापने के लिए. सपोर्ट इंडिविजुअलाइज्ड लेसन प्लान. अगर आप इंडिविजुअलाइज्ड यानी कि व्यक्ति के, बच्चे के, छात्र के हिसाब से लेसन प्लान बनाना चाहते हैं उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है. प्लेसमेंट, किसको कहाँ प्लेस करना है, उसका प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, इसके लिए जरूरत पड़ती है. बच्चे की, स्टूडेंट की प्रोग्रेस नापने के लिए, प्रोग्रेस देखने के लिए. आइडेंटिफाइंग डिसेबिलिटीज, अगर उसके संग कोई विसंगति है तो. हेल्पिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक वर्क्स. और वोकेशनल एबिलिटी, हम उसको किस वोकेशन के लिए प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए. और भी बहुत सारे तरीके. अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे अपने, कि अगर हम किसको कहेंगे कि एक अच्छा मानसिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, तो वो टेस्ट तब अच्छा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनेगा जब वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, रिलायबल होगा यानी कि विश्वसनीय होगा, वैलिड होगा यानी कि वैध होगा, नॉर्म्स यानी उसके मानक होंगे, वो स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से बना होना चाहिए, मानकीकृत होना चाहिए और उसकी प्रायोगिकता होनी चाहिए, प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए उसकी. यानी कि अ गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट मस्ट हैव ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म, स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रैक्टिकेबिलिटी. ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं क्या है. ऑब्जेक्टिविटी क्या है? The degree to which a test's results are obtained is same by scoring different scorers without influences of their biases or beliefs on scoring is known as objectivity. Objectivity के या वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि एक से ज्यादा स्कोरर
एक से ज्यादा इंडिविजुअल अगर उसी टेस्ट को परफॉर्म कर टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उनको सेम रिजल्ट आ रहा है, मतलब कि उनका बायस या उनका बिलीफ सिस्टम स्कोरिंग को प्रभावित नहीं कर रहा है। मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट इज हाई इन ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि बहुत सारे जो उपलब्धि के एप्टीट्यूड के परीक्षण होते हैं वो ऑब्जेक्टिविटी उनकी हाई होती है। अगर APA डिक्शनरी के हिसाब से देखें ऑब्जेक्टिविटी क्या है, तो क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये टेंडेंसी है, सॉरी यार TE होना चाहिए, the tendency to base judgments and interpretations on external data rather than on subjective factors such as personal feelings, beliefs and experiences. The tendency to base judgments and interpretations on external data, यानी कि जो डेटा हमको मिल रहा है उसी पर हमारा जजमेंट और इंटरप्रिटेशन बेस्ड है, ना कि सब्जेक्टिव फैक्टर, यानी कि हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, हमारा क्या विश्वास है, हमारे क्या अनुभव है, इससे कोई मतलब नहीं। और क्या है ऑब्जेक्टिविटी, अ क्वालिटी ऑफ ए रिसर्च स्टडी सच दैट इट्स हाइपोथेसिस, चॉइसेस ऑफ वेरिएबल्स, स्टडीड मेजरमेंट्स, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल एंड ऑब्जर्वेशंस आर एज फ्री फ्रॉम बायस एज पॉसिबल, यानी कि जो भी हम उसमें कर रहे हैं उसमें किसी में भी कोई प्रकार का बायस नहीं अगर आ रहा है तो वो वस्तुनिष्ठता है। और the test should be free from subjective judgment regarding the, अच्छा ये जो लास्ट वाला है ये APA डिक्शनरी की डेफिनेशन नहीं, ये अलग पॉइंट होना चाहिए था। The test should be free from subjective judgment, यानी कि उसमें आपका जजमेंट नहीं आएगा, व्यक्ति का जजमेंट नहीं आएगा, सब्जेक्ट का जजमेंट नहीं आएगा, किसके किसके रिगार्डिंग, उसकी योग्यता के रिगार्डिंग, उसकी कौशल के रिगार्डिंग, उसकी ज्ञान के, व्यवहार के और पोटेंशियलिटी को मेजर और इवेलुएट करने में कहीं भी हमारी सब्जेक्टिविटी नहीं आएगी, तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। और एक गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। फिर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी को देखिए, हाँ रिलायबिलिटी का अलग भी वीडियो है मेरा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं इन डिटेल। रिलायबिलिटी विश्वसनीयता है। द ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन्वॉल्व्स प्राइमरीली द डिटरमिनेशन ऑफ द रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट इन स्पेसिफाइड सिचुएशंस एज यूज्ड इन साइकोमेट्रिक्स। द टर्म रिलायबिलिटी ऑलवेज मीन्स कंसिस्टेंसी, इतना हम सब लोगों को पता होगा कि विश्वसनीयता की, जब जब हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण में विश्वसनीयता की बात करते हैं तो उसका मतलब हमेशा कंसिस्टेंसी से होता है, कि संगतता, मतलब एक समानता, एक कंसिस्टेंट रिजल्ट अगर आ रहा है स्कोर्स में तो वो रिलायबल है। टेस्ट रिलायबिलिटी इज द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, हमेशा याद रखिए कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स obtained by the same persons, उन्हीं व्यक्तियों के स्कोर कंसिस्टेंट आए, कब कब, when retested with the identical test, जब उसी परीक्षण को उन पे दोबारा परीक्षण किया जाए, और विद एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द टेस्ट, या उसी टेस्ट का कोई इक्विवेलेंट फॉर्म उनको दिया जाए, और अंडर अदर वेरिएबल एग्जामिनिंग कंडीशंस, या अलग परीक्षण की दशाओं में भी उन व्यक्तियों का सेम या कंसिस्टेंट स्कोर आ रहा है तो वो टेस्ट रिलायबल है। दिस कंसेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी अंडरलाइज द कंप्यूटेशन ऑफ द एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ सिंगल स्कोर, वेयर बाय वी कैन प्रिडिक्ट द रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन लाइकली टू अकर इन अ सिंगल इंडिविजुअल स्कोर एज अ रिजल्ट ऑफ इररिलेवेंट चांस फैक्टर्स। वो कह रहे हैं कि अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है स्कोर में, इसका मतलब कि कहीं कोई मेजरमेंट में एरर है, और वो एरर चांस फैक्टर के थ्रू हो सकती है, कोई इररिलेवेंट फैक्टर के थ्रू हो सकती है, कि बाई चांस कोई आपकी दिक्कत है, कोई बीमार हो गए, तबीयत ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, तो स्कोर में दिक्कत आ सकती है। द कंसेप्ट ऑफ टेस्ट रिलायबिलिटी हैज बीन यूज्ड टू कवर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कोर कंसिस्टेंसी, जो आपका रिलायबिलिटी का कंसेप्ट है उसमें स्कोर कंसिस्टेंसी के बहुत सारे पक्षों को कवर किया गया है। In its broadest sense, test reliability indicates the extent to which individual differences in test scores are attributable to chance errors. वो कह रहे हैं कि वैसे तो reliable है अगर test, तो आपका जो score है वो consistent होगा, लेकिन अगर differences आ रहे हैं test score में तो वो किसकी वजह से होंगे, chance error की वजह से, यानी कि वो त्रुटि जो by chance हो गई। To put it in more technical terms, measures of test reliability make it possible to estimate what proportion of the total variance of test scores is error variance. वो कह रहे हैं कि अगर और technical term में हम बात करें तो test reliability का मतलब क्या है, कि हम ये estimate कर पाएं, हम ये बता पाएं कि तो test score का कितना हिस्सा जो है total variance का वो error variance, यानी कि एरर बाई चांस फैक्टर की वजह से हो रही है, किस वजह से हो रही है, और वो जो एरर है वही जो है स्कोर को कंसिस्टेंट नहीं होने दे रही। तो मोटी बात क्या निकल गया है, कि स्कोर्स में कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, और अगर बनी रहती है तो आपका टेस्ट रिलायबल है, और अगर आपका टेस्ट रिलायबल है तो वो एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की मुख्य विशेषता है। वैलिडिटी में अनडाउटेडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड अबाउट एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट कंसर्न्स इट्स वैलिडिटी, किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की वैधता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैधता है क्या, द डिग्री टू विच द टेस्ट एक्चुअली मेजर्स व्हाट इट परपज टू मेजर,
वो डिग्री, वो सीमा, वो वहां तक, उस एक्सटेंट तक वो परीक्षण वो नाप रहा है जिसको नापने के लिए वो बनाया गया है. वैलिडिटी प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट चेक ऑन हाउ वेल द टेस्ट फुलफिल्स इट्स फंक्शन. वो जो टेस्ट है, वो जो परीक्षण है, वो अपना कार्य पूरा कर रहा है कि नहीं, इस पर ये डायरेक्ट चेक लगाता है. द डिटरमिनेशन ऑफ वैलिडिटी यूजुअली रिक्वायर्स इंडिपेंडेंट या एक्सटर्नल क्राइटेरिया ऑफ व्हाटएवर द टेस्ट इज डिजाइन टू मेजर. यानी कि हम वैलिडिटी कैसे निकालते हैं, कैसे सुनिश्चित करते हैं, हमको एक स्वतंत्र या एक्सटर्नल क्राइटेरिया लेते हैं और उसके अगेंस्ट चेक करते हैं अपने रिजल्ट्स. द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट कंसर्न्स व्हाट द टेस्ट मेजर्स एंड हाउ वेल इट डज सो. ये हो गया. Moreover, the validity of a test cannot be reported in general terms. ये हम सामान्य शब्दों में, सामान्य टर्म्स में वैलिडिटी को नहीं बताते हैं. हम हमेशा क्या बताते हैं, नो टेस्ट कैन बी सेड टू हैव हाई और लो वैलिडिटी इन द एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट में आप नहीं कहेंगे कि ये हाई है या लो है, हमेशा किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट कहा जाएगा. इट्स वैलिडिटी मस्ट बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द पर्टिकुलर यूज फॉर विच द टेस्ट इज बीइंग कंसिडर्ड. यानी इंटेलिजेंस नापने के लिए बना है कि पर्सनैलिटी नापने के लिए बना है, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके अगेंस्ट आप बताएंगे कि ये हाईली वैलिड है या लो वैलिड है. फिर फॉर डिटरमिनिंग टेस्ट वैलिडिटी द स्टैंडर्ड्स फॉर एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, दीज प्रोसीजर्स आर क्लासिफाइड अंडर थ्री प्रिंसिपल कैटेगरीज, कंटेंट क्राइटेरिया रिलेटेड एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. आप वैलिडिटी का पुराना वीडियो देख सकते हैं मेरा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि तीन मुख्य कैटेगरी होती हैं के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है वैलिडिटी को, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. ठीक है, क्राइटेरिया वैलिडिटी बाद में प्रिडिक्टिव और कॉन्करेंट हो जाती है, कंस्ट्रक्ट बाद में आपकी वो डिटर्मिनेंट और कॉन्फर्मिटेंट हो जाती है. ठीक है, इसलिए इसको वहाँ पे अभी डिफाइन नहीं करें, आप पुराना वीडियो देख लीजिए उसके लिए. और नॉर्म्स, नॉर्म्स पे भी देखिए, मेरा पुराना वीडियो है, मतलब पहला वीडियो है, प्रीवियस वीडियो है मेरा, जिसमें मैंने नॉर्म्स को इन डिटेल डिस्कस किया है. नॉर्म्स देखिए, ग्रेड नॉर्म होते हैं, एज नॉर्म होता है. क्या है नॉर्म? टेस्ट नॉर्म्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर दैट आर टिपिकल और कॉमन विद इन ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन. हम कहते हैं ना कि ये चीज नॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं है, नॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं है मतलब टिपिकल नहीं है, कॉमन नहीं है, डेविएटेड है. इन अदर वर्ड्स, टेस्ट नॉर्म्स कंपेयर अ पर्सन्स आंसर्स टू द आंसर ऑफ अदर टेस्ट टेकर्स इन द सेम ग्रुप. यानी कि नॉर्म क्या करता है, कंपेयर करता है, तुलना करता है व्यक्ति के उत्तरों की उसी ग्रुप में और टेस्ट टेकर ने जो उत्तर दिए हैं उनसे. टेस्ट नॉर्म्स कंसिस्ट ऑफ डेटा दैट मेक इट पॉसिबल टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्टैंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैज टेकन द टेस्ट. यानी कि हमने जो परीक्षण दिया है, हम पार्टिसिपेंट हैं, हम क्या सब्जेक्ट है उस टेस्ट को देने के लिए, तो बाकी जो बच्चे हैं, बाकी जो टेस्ट टेकर हैं, बाकी जो इंडिविजुअल है, वो कैसा परफॉर्म किए, उसके रिलेटिवली हमारी क्या पोजीशन है, ये नॉर्म बताता है. बाय इटसेल्फ ए सब्जेक्ट्स रॉ स्कोर हैज लिटिल मीनिंग. यानी सिर्फ हमारा रॉ स्कोर कि हमने 100 में से 75 अंक प्राप्त किए, उसका कोई अर्थ नहीं, जब तक हमको ये ना पता चले कि कितने प्रतिशत बच्चों ने 100 से 75 से ज्यादा किए हैं, कितने ने 75 से कम किए हैं. अगर मैक्सिमम बच्चों ने 75 से अच्छे अंक स्कोर किए, इसका मतलब हमने बहुत खराब परफॉर्म किया है. लेकिन हमारा स्कोर बहुत लोगों से ऊपर है, तो हमको हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. यानी कि हमारी परफॉर्मेंस सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि उस ग्रुप में बाकी टेस्ट टेकर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगी. ओके, almost always a test score must be interpreted as indicating the subject's position relative to others in same group, some group, same group hona chahiye. Norms provide a basis for comparing the individual in the group. ठीक है, हमारे comparing का वो base provide करता है. Norms values called centiles or percentile. हम लोग कहते हैं ना, result आता है percentile में, कितना percentile है आपका, है ना, यानी कि कितने प्रतिशत लोगों से आपने अच्छा score किया है. Serve as the basis for one widely applicable system of norms. From a distribution of a group's raw scores, the percentage of subjects falling below any given raw score can be found. है ना? अगर हमने 75, हमारा 75% आया है, इसका मतलब कि हमने 74% आए लोगों से अच्छा परफॉर्म किया है, और 25% आए लोगों ने हमसे अच्छा परफॉर्म किया. Any raw score can then be interpreted related to the performance of the reference or normative group. फिर स्टैंडर्डाइजेशन, देखिए कई जगह आप देखेंगे तो आपको ये टर्म नहीं मिलता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन ही जरूरी है, जरूरी विशेषता है एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की. इट विल बी रिकॉल दैट इन द इनिशियल डेफिनेशन अ साइकोलॉजिकल टेस्ट वाज डिस्क्राइब्ड एज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजर. हमेशा जब भी आप साइकोलॉजिकल टेस्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे कि वो स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है. यानी आप उसको एक मानकीकृत, उसको एक प्रमापीकृत तरीके से ही हैंडल कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, स्कोरिंग कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर. यानी कि एक समान तरीका अपनाया जाएगा, किसके लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए और स्कोर करने के लिए. ऐसा नहीं कि हम किसी और तरीके से एडमिनिस्टर कर रहे हैं, बगल वाला कैसे भी कर रहा है, वो अलग तरीके से कर रहा है, तो वो स्टैंडर्डाइज्ड मेजर नहीं है, और ना ही वो एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषता है. Another important step in the standardization of a test is the establishment of norms. हम लोग बात कर चुके हैं कि जरूर जरूर हमारे टेस्ट के नॉर्म्स एस्टैब्लिश होने चाहिए, तभी वो एक अच्छा परीक्षण बनेगा.
साइकोलॉजिकल टेस्ट हैव नो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ पासिंग और फेलिंग, है ना। जैसे कि क्राइटेरिया रेफरेंस होता है, टेस्ट भी दो तरीके के होते हैं ना, हमने ये भी आपको बताया है, आप सुन सकते हैं पुराना वीडियो, क्राइटेरिया रेफरेंस और नॉर्म रेफरेंस। क्राइटेरिया रेफरेंस में क्राइटेरिया पहले से तय है कि 100 में 10 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप पास हैं, अगर 32 आते हैं तो फेल है। लेकिन नॉर्म रेफरेंस में हमने 100 में 33 करके भी टॉप कर सकते हैं और 100 में 80 करके भी फेल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बगल वाला हमसे हमारा जो कंपेयरर है, हमारा जो ग्रुप का हिस्सा है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वहां से नॉर्म निकल के आता है कि इस एज ग्रुप की टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। As its name implies, a norm is a normal or average performance. Thus, the administration, scoring, and interpretation of scores are objective in so far as they are independent of the subjective judgment of the individual examiner. And last but not the least, practicability. Test आपने कितना भी अच्छा बनाया, कितना भी reliable है, बहुत अच्छा है, बहुत valid है, norms भी set है, standardized तरीके से आप इसको handle कर रहे हैं, लेकिन अगर वो practically बहुत मुश्किल है उसको administer करना, तो फिर वो it is of no use. It means that the test is easy to design, easy to administer, and easy to score. No matter how valid or reliable a test is, it has to be practical to make and to take. This means, क्या इसका अर्थ है? It must be economical to deliver. बहुत महंगा अगर परीक्षण है तो फिर आपके किसी काम का नहीं। The layout should be easy to follow and understand. उसका तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसको आसानी से follow किया जा सके, समझ सके। It must stay within appropriate time constraints. मुश्किल मतलब आधा पौन घंटे, एक घंटे में कम से कम वो टेस्ट हो जाए, दो तीन चार घंटा में अगर चल रहा है तो कौन उसको करेगा, कौन उस सब्जेक्ट बनेगा, कौन उसको बैठकर करा पाएगा, इतना टाइम नहीं है किसी के पास ना, सब लोग पेशेंस खत्म होने लगता है। इट मस्ट बी रिलेटिवली इजी टू एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर करना भी इजी होना चाहिए, बहुत टिपिकल नहीं। इट्स करेक्ट इवैल्यूएशन प्रोसीजर इज स्पेसिफिक एंड टाइम एफिशिएंट। ओके, सो ये प्रश्न बहुत पूछते हैं कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट, या आप वायवा देते हैं जब कोई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करके, इंटेलिजेंस टेस्टिंग करके, क्रिएटिविटी टेस्टिंग करके, तो भी आपसे पूछते हैं कि एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की क्या विशेषता है। इन जनरल भी आपको बताना चाहिए कि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, प्रैक्टिकेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, अगर आप साइकोलॉजी एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं तो। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक एंड ईजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक, characteristics of a good psychological test. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from myself.